कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मेरा तरीका है समझाने का, फिर मैं किताबी तरीका समझाऊंगा। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, इमेजिन करो आपके पास दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट और दो स्लिट, ये लो ये स्क्रीन है, इमेजिन करो ये इसका मिड पॉइंट है। अब इमेजिन करो कि यहाँ से एक वेव आएगी और यहाँ से भी वेव आएगी, सेंटर पॉइंट पे मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव और दो वेव, मान लो यहाँ पर दो वेव पहुँच गई, और अगर यहाँ आने में दो वेव्स हैं, आइडेंटिकल सोर्स हैं, तो यहाँ से जो वेव चलेगी यहाँ पे एग्जैक्टली दो वेव लगेंगी। दो वेव्स मीन्स यहाँ से जो वेव निकलेगी उसको दो वेव लगी यहाँ से पहुँचने में, तो यहाँ से भी दो ही लगेंगी, यानी कि ट्रफ ट्रफ पे गिरेगा, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैक्सिमा एक ही बात है, एक ही बात है, मैक्सिमा मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है यहाँ तक ऐसा ही होगा। लेकिन एक चीज नोट करो, एक वेव का मतलब क्या होता है, ये लेंथ कितनी होती है वेव की, लैम्डा, एक वेव की लेंथ इज लैम्डा, दो वेव की लेंथ इज टू लैम्डा, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, टू लैम्डा, इसको बोलते हैं पाथ, रास्ता, एक वेव ने रास्ता कितना कवर किया लीनियर, टू लैम्डा, इसको पाथ बोलते हैं, क्लियर है यहां तक। और अगर यहां से यहां आने में रास्ता कितना लगा, टू लैम्डा पाथ, तो इसको भी कितना लगा, टू लैम्डा, टू लैम्डा, टू लैम्डा। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर जो वेव पहुंची उसमें पाथ डिफरेंस कितना लगा, तो आप क्या बोलेंगे, टू लैम्डा में से टू लैम्डा माइनस करके क्या आया, जीरो, यानी कि एक वेव और दूसरी वेव ने बराबर डिस्टेंस कवर किया है, तो पाथ का डिफरेंस क्या है यहां पर, जीरो। तो एक चीज तो पक्की है कि अगर पाथ डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब वहां पर इंटरफेरेंस क्या आने वाली है, कंस्ट्रक्टिव, पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर दो मिनट के लिए मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं कि ये स्क्रीन है, ये दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट और दूसरी स्लिट है, और मान लो इस बार वेव्स यहां पे जाके मिल रही हैं, सच दैट एक वेव और दो वेव, ऊपर वाली को तो दो वेव ट्रेवल करना पड़ा, पर नीचे वाली को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, कितना करना पड़ा, एक दो और तीन, तीन डिस्टेंस, तीन वेव लगी ऊपर पहुंचने में, मान लो ऐसा हुआ। अब एक वेव का मतलब लैम्डा, दो का मतलब टू लैम्डा, तो पाथ कितना ट्रेवल किया फर्स्ट वेव ने, टू लैम्डा, और नीचे वाली वेव में ये लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी कि थ्री लैम्डा, तो पाथ कितना ट्रेवल किया, नीचे वाली ने थ्री लैम्डा, ऊपर वाली ने टू लैम्डा, तो इस पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना ट्रेवल किया, थ्री लैम्डा में से टू लैम्डा माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी इसमें, लैम्डा। तो एक बात पक्की है कि अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो, या पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, या पाथ डिफरेंस टू लैम्डा हो, या पाथ डिफरेंस थ्री लैम्डा हो, या फिर फोर लैम्डा हो, पक्का वा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बात पक्की है, कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट क्रेस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे, कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। ये जो पूरा केस है वो किसका है, कंस्ट्रक्टिव, ये केस नंबर वन, मैं डिस्कस ही सिर्फ कंस्ट्रक्टिव कर रहा हूं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक चीज का आंसर दो कि अगर यहां से यहां वेव बनती है तो फेस कितना कवर करती है, लैम्डा का मतलब क्या होता है वेव में, टू पाई, मैथ में करते नहीं, एंगल कितना है, टू पाई, तो बेसिकली क्या होता है, एंगल कितना होता है, टू पाई, तो एक कंप्लीट साइकिल का मतलब फेज में कितना कवर हो गया, टू पाई, तो इसने टू पाई और ये वेव ने भी कितना ट्रेवल किया, टू पाई, तो टोटल कितना हो गया, फोर पाई, इसे बोलते हैं फेज, तो दिस इज फेज ऑफ फर्स्ट वेव, कितना फेज है इसका, फोर पाई, इसको कितना एंगल लगा पहुंचने में, फोर पाई, लेकिन नीचे वाले को कितना एंगल लगा, फोर पाई, एक ही बात है। तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना आएगा, टू पाई में से टू पाई माइनस कर दो, कितना आ गया, जीरो। तो फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो भी कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। तो फेज डिफरेंस मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा ये टू पाई, मैंने कहा ये टू पाई, ऐड करो फोर पाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है टू लैम्डा, लैम्डा का रिप्लेस कर दो किससे, टू पाई, मन में सोचो लैम्डा का मतलब टू पाई, टू इंटू टू पाई कितना, फोर पाई, क्या कैलकुलेट करना, लैम्डा को ही टू पाई पुट करके देख लो आंसर, ऐसे यहां पे देख लो फोर पाई, तो फेज डिफरेंस जीरो, ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। अच्छा इधर चलते हैं, यहां पे टू लैम्डा, लैम्डा को मन में बोलो टू पाई, तो कितना बनेगा, फोर पाई, तो ये फेज कितने हैं, फोर पाई,
अब ऐसी लैम्डा को मन में बोलो 2π, 3 इंटू 2π कितना, 6π, तो फेज कितना कवर हो गया यहां पर, 6π। तो बताओ यहां पर फेज डिफरेंस कितना कवर हुआ, कितना 6π माइनस 4π कितना 2π। रादर इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल बताओ पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा, और लैम्डा को मन में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 2π, यहीं से आ जाता। बस आप मुझे पाथ डिफरेंस बता दो लैम्डा, मैं बता दूंगा फेज डिफरेंस है 2π। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लैम्डा को 2π रिप्लेस कर दो, तो क्या रिजल्ट बनाया जा सकता है। रिजल्ट ये बनेगा कि अगर आपके पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या फिर n लैम्डा, तो यानी कि अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाए n लैम्डा, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। या फिर फेज डिफरेंस कितना हो जाए, बोलो रिप्लेस करो, 0 का मतलब 0, लैम्डा का मतलब 2π, 2 इंटू 2π 4π, 3 इंटू 2π 6π, मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाए, 2nπ। तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो इतना बड़ा बुक में साइन कॉस चला रखा है, जरूरत ही नहीं है, सीधा कंडीशन यही आएगी, चेक कर लेना एन लैम्डा और 2nπ। तो बात समझ में आ रही है यहां तक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी ये बात समझ में आती है। अब अगर मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी तो होते होंगे जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये लो, इमेजिन करो आपके पास दो स्लिट्स हैं, और मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, डिस्ट्रक्टिव का। कैसे, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां से वेव्स आएंगी। अब वेव्स कैसे आ रही हैं, मान लो ये एक वेव है और ये दो वेव है, दो वेव है। नीचे वाली जो वेव है, एक वेव है, दो वेव है, ढाई वेव है, 0.5 का चक्कर डल गया, पूरी वेव नहीं बन पाई, एक ऐसा पॉइंट आया कि जिसको 2.5 करना पड़ गया, और वो तो इंटीजर चल रहा है, वो निचल नहीं रहा, फ्रैक्शन आ गया। अब यहां पर 0.5 का चक्कर पड़ गया, तो इसका मतलब एक ने अगर क्रेस्ट घेरा तो दूसरे ने ट्रफ घेरा होगा, और क्रेस्ट और ट्रफ कैंसिल होकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देते होंगे। यानी कि जब 0.5 का चक्कर पड़ेगा, 0.5 का मतलब लैम्डा बाई 2 का चक्कर पड़ेगा, तो पक्का डिस्ट्रक्टिव है। देखो कैसे, ये दो वेव्स हैं तो कितना बना, 2 लैम्डा। ये ढाई वेव्स हैं 2.5, तो 2.5 लैम्डा कितना होता है, 5/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, ऐसे ही होता है, 0.5 ज्यादा है। तो यहां पे पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस है 5λ/2 − 2λ, आंसर क्या आएगा, λ/2। और यहीं से अगर मैं पूछ लूं कि बताओ फेज डिफरेंस क्या है, अपने मन में लैम्डा को रिप्लेस करो 2π, 2π/2 क्या होता है, पाई। तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई, तो कौन सी इंटरफेरेंस होने वाली है, डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है यहां तक, तो यानी कि जब λ/2 का डिफरेंस आना आना है, तो वहां डिस्ट्रक्टिव होनी होनी है। तो इसीलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर पाथ डिफरेंस पता है कितना हो, λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2 या फिर 2n − 1 × λ/2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। आगे एग्जाम्पल देनी ना, पर ऐसा आएगा। और ऐसी फेज डिफरेंस क्या होगा, बोलो अपने मन में लैम्डा को बोलो 2π, तो आंसर क्या आएगा, 2n − 1, 2π/2 क्या होता है, पाई। ये लो, तो फेज डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल आएगा, पाथ डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल आएगा तो डिस्ट्रक्टिव है, और अगर एन लैम्डा आएगा या 2nπ आएगा तो कंस्ट्रक्टिव है। मतलब मैंने इस चैप्टर को ऐसे स्टडी कर रखा है, स्टडी क्या मतलब मैं ऐसे व्यू करता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि कंडीशन कैसे बनाई जा सकती है बिना साइन के, बिना कॉस के, कुछ भी ना किया मैंने तो अभी तक। तो मैंने इसको कुछ ऐसे स्टडी किया कि
कि अगर मान लो ये आपके पास एक स्क्रीन है और सपोज ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में जैसे मान लो ये एक वेव है और ये दो वेव है, इसके अंदर ये एक वेव है और चलो ये दो वेव है और चलो ये तीन वेव है, पूरी तीन वेव ले ली कोई बात नहीं, तो ये कितना है 2 लैम्डा और ये कितना है 3 लैम्डा, या फिर ये कितना है 4 पाई और ये कितना है 6 पाई, फेज डिफरेंस 6 पाई। तो मुझे एक बात बताओ, जो इक्वेशन जो फर्स्ट वेव है जिसका फेज 4 पाई है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है, साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं 4 पाई, क्योंकि 4 पाई का मतलब क्या है फेज, और फेज कहाँ आता है साइन के आगे, फेज ही तो होता है, एसी चैप्टर किया हुआ है, यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड वेव की इक्वेशन लिखूँ, सेकेंड वेव की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड भी अगर ए है, तो एंगल को क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर 6 पाई, क्योंकि सेकेंड वेव का फेज क्या चल रहा है 6 पाई और फर्स्ट वेव का फेज क्या चल रहा है 4 पाई। और मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ए साइन 6 पाई को अपने मन में लिखूंगा 4 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, बुक्स में फर्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी ए साइन ओमेगा टी, जैसे मन में हो सकता है ये एंगल 4 पाई हो, कल को 6 पाई हो, पता नहीं क्या हो, तो वेव का स्टैंडर्ड एंगल क्या लेते हैं ओमेगा टी। और सेकेंड वेव की इक्वेशन हमेशा क्या लिखी जाती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई का मतलब है दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस। अब चेक कर लो, यहां पे ओमेगा टी क्या है 4 पाई 4 पाई, और ये क्या चीज है फाई, फाई का मतलब है फेज डिफरेंस, चेक कर लो 6 पाई में से 4 पाई क्या कितना आया 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, कोई डाउट इसमें। तो वेव की इक्वेशंस कैसी लिखी जाती हैं, दो पॉइंट में समझ में आ रहा है, इनके अंदर फाई को लिखा जाता है, समझ में आ रहा है, फाई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि किसी भी पॉइंट पी पर दोनों वेव्स का फेज सेम नहीं भी हो सकता, तो एक का फेज ज्यादा होगा एक का कम होगा, तो उनमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो फाई होगा। क्लियर है यहां तक?